देखिए, अगर आपका बुरे से बुरा वक्त अभी चल रहा है और आप ऐसी दुविधा में पड़ रखे तो कि क्या करें क्या ना करें, तो ये अगर आपको 5 संकेत आज ही मिल जाते, आपको इसी क्षण मिलते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका आज से ही समय शुभ होने वाला, अच्छा सा टाइम आपका आने वाला है। देखिए क्या है, कैसे होगा ये, कैसे आप इन संकेतों का पता कर सकेंगे, इसी की जानकारी हम देंगे। अगर आप इन संकेतों को पकड़ लेंगे कि हाँ ऐसी भी चीज़ मेरे साथ होना शुरू हो गई है, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में आज से ही कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, एक बड़ा बदलाव होगा जो आप देखेंगे, आपके भविष्य में देख पाएंगे कि आपने कितनी तरक्की कर ली है। देखिए एक बार समय की बात थी कि इसी संबंध में नारद जी ने एक संवाद किया था श्री कृष्ण के साथ। उन्होंने भी यही बातें पूछी थी कि आखिरकार होता क्या है कि मानव इतना दुखी क्यों होता है, और अगर वह उसका अच्छा समय भी आने वाला है तो वो कैसे पहचाने कि अच्छा समय आने वाला है हमारा। हमारा ये जो बुरा समय निकल रहा है, इतना लंबा समय हो गया, हम इतने ग्रस्त जीवन में हैं, वो इतनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये इससे निजात पाना चाहते हैं, अब आगे क्या करना चाहिए हमको, और इस अगर अच्छा समय आने वाला है तो इसका पता हम कैसे करें। ऐसे ही सवाल नारद जी श्री कृष्ण से पूछते हैं, तो कृष्ण भगवान उनसे बोलते हैं कि इसके कुछ संकेत होते हैं। अगर मनुष्य का एक अच्छा समय आने वाला है तो उसको प्रभु स्वयं संकेत देना शुरू करते हैं, और वो खुद उसको पहचानने में अगर सक्षम होता है तो वो स्वयं पहचान जाता है कि मेरा अच्छे समय आने वाला है, या फिर उसको समझना पड़ता है उनको। अब देखिए सर्वप्रथम जो संकेत दिया है श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रथम संकेत होता है कि आपको अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल जाती है, आप बैठे बैठे आप गहरी नींद में हैं, इतना लंबा समय टाइम से आप इतने दिन से सोते आ रहे हैं, मगर आप किसी एक दिन ऐसा आता है कि आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, आपकी आंखें खुलने लग जाती है। उस दिन के पश्चात फिर रोज आपके साथ ऐसा होने लग जाता है, तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन में अब कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा दिन होने वाला है, या फिर बड़ा कार्य करने वाले हैं आप, जो आपकी पूरी जिंदगी को, आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देगा। क्यों? क्योंकि कुछ एक समय ऐसा आ जाता है जब मनुष्य अपने आप को परिवर्तन करने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाता ही उठाता है, और इस परिवर्तन के साथ ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देते हैं, अर्थात आप अपनी क्रियाविधि उस समय करने लग जाते हैं और अपना टाइम मैनेजमेंट करने लग जाते हैं। अब इसी के साथ दूसरा संकेत भी वे देते हैं भगवान कृष्ण कि वे मनुष्य जो इतने दुख होने के पश्चात भी आज तक जिंदगी में घबराया नहीं है, आज तक जिंदगी में घबराया नहीं है, और हर समय हर परिस्थिति में ऐसे संकटों से प्रसन्नता से, अर्थात एक मुस्कुराहट के साथ वे पूरे कार्य को कर जाता है, भले ही वे दुविधा कुछ क्षण के लिए हो या कुछ समय के लिए, अर्थात 1 साल के लिए, किसी के 6 महीने के लिए ऐसे दुख रहता है, तो वह घबराता नहीं है कभी भी मनुष्य, वे उस कार्य को कर जाता है। अब देखिए इसी के साथ तीसरा संकेत भी वे दे देते हैं कि आपके घर में अगर आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और आपके घर में कुछ ऐसे मनुष्य के अलावा और भी जीव है जो आपके घर पर आने लग जाते हैं, और आपको ये संकेत देते हैं कि आपके घर में कुछ किस ना किस देवी शक्ति का वास है, इसलिए आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए कि क्या होता है कि सुबह सुबह गाय आ जाती है घर पे, और हम उसे रोटी देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो भले मिठाई देते हो, रोटी के साथ गुड़ देते हो, उसी के साथ और भी आते हैं, और क्या है कि आपके घर पे पक्षी सुबह होते ही पक्षी आवाज़ करने लग जाते हैं, यानी चहचहाने लग जाते हैं, चिड़िया हो गई, और पक्षी जो आपके ही घर में घोंसला बना लेते हैं, यानी आपका घर ऐसा उनको सेपरेट लगता है कि ये घर सबसे उत्तम है, यहाँ मैं बिल्कुल महफूज रहूँगा, इसलिए वे घर घोंसला बना देते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं वहाँ पर, है ना। और इसी के साथ ये होता है कि पक्षी आपके घर पे पानी पीने लग जाते हैं, जानवर आपके घर के बाहर रखी जो कुंडी है, जो आपने कुछ साधन रखे हुए पानी पीने, वहाँ से पानी पीने लग जाते हैं। तो मान के चलिए कुछ ना कुछ एक सकारात्मकता आपके साथ जुड़ चुकी है, और आपको बदलने के लिए, आपके नई राह खोलने के लिए ये संकेत बहुत ही अच्छे हैं। चौथा संकेत ये देते हैं कि बच्चों की आपके जो
बच्चे होता है ना कोई बच्चा आपको देखता है और मुस्कुराने लग जाता है। कहीं पर भी जाते हैं और किसी के लेडीज के हाथ में बच्चा है और आपको देख के मुस्कुराने लग जाता है कि इतना अच्छे से, और आप भी समझ नहीं पाते ये बच्चा मेरे साथ मुझको देख के इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, तो आप भी मुस्कुराने लग जाते हैं उसके साथ। तो ऐसा मानिए कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है आप जिस कार्य के लिए निकले हैं। बहुत ही शुभ संकेत है ये वाला। तो पांचवा संकेत है कि इतनी आर्थिक स्थिति से आप तंगी से चल रहे हैं फिर भी आप कहीं ना कहीं पर कुछ पैसे बचा के रख रहे हैं, कुछ ना कुछ खर्चे बचा के रख रहे हैं, कुछ ना कुछ आप बचा के रख रहे हैं और आपके खर्चे कम कर देते हैं आप उस समय। तो मान के चलिए कि आने वाला समय है, आने वाले समय में लक्ष्मी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली, खूब भर भर के आपको मिलने वाला है। यानी आप अपने आपके खर्चे को आपने आज बचा के रख लिया है तो निसंदेह वे आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत ही बड़ा यानी बहुत ही बड़ा सफलता का मार्ग बनेगा। वे पैसा कहीं ना कहीं आपके आगे बड़े कार्य में जरूर कार्य काम आएगा। ये सबसे अच्छा संकेत है। तीसरा, जब भी आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, सुबह शाम अगरबत्ती करते हैं, प्रभु से वंदना करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि प्रभु मेरा ये काम कर दो, ये कर दो, ये नहीं तो ये कर दो, तो ऐसे ही विनती विनती में आप मांगते रहते हो, प्रभु के सामने देखते रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे प्रार्थना करते करते आपके सामने वो मूर्ति एक चित होने के बाद आपको क्या मूर्ति मुस्कुराते हुए दिखने लग जाती है कि मैं तो अपनी ऐसी बातें कह रहा हूँ, प्रभु से अपनी पीड़ा बता रहा हूँ, ये मुस्कुरा रहे, आखिर बात है क्या कि कुछ ना कुछ तो रहस्य है, यानी मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और निसंदेह आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा आगे चल के, ऐसे संकेत मिलने से। अब ये आखिरी संकेत है कि क्या होता है कि आप कभी भी बाहर जाते हैं, कभी भी बाहर जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको गाय मिल जाती है। आपके गेट खोलते ही तुरंत आपके घर के बाहर गाय खड़ी रहती है, या फिर आपके सामने कोई काला कुत्ता गुजर जाता है, ऐसा मान्यता है आधार्मिक ग्रंथों को वास्तु के हिसाब से। और सबसे बड़ा बात ये, सबसे बड़ी बात, मेजर बात ये होती है कि बाहर जाने के पश्चात कोई बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं, कोई साधु संत आपको मिलते हैं और आपको आशीर्वाद दे के चले जाते हैं कि बच्चा आपका कल्याण होना, आप जिस भी कार्य में जा रहे हो आप सफल होना और बहुत उन्नति और तरक्की करना। ऐसे आपको कुछ सुनाई दे उन बड़े बुजुर्गों के साथ, कुछ साधु संतों के साथ आपको वो कह के चले जाए, तो आप मान के चलिए जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप व्यापार कर रहे हैं, उस मार्ग में आपके 100 गुना तरक्की होने वाली है। इतनी तरक्की होगी आप सोच नहीं सकते हैं कि आप उस कार्य में बहुत आगे जाएंगे। तो ये संकेत ऐसे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है उससे आप समझ सकते हैं कि आप किस राह पर जाने वाले हैं। तो प्रेमी भक्तों, ये शुभ संकेत आपको कैसे लगे आप जरूर बताएं। ये 7 शुभ संकेत है जो मनुष्य के जीवन परिवर्तन करने के लिए सबसे अच्छे हैं और आपको समझने के लिए सबसे बढ़िया हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और आपको इसके अलावा भी कोई अच्छी वीडियो चाहिए हमको कमेंट करके जरूर बताएं, रिकमेंड कीजिए हमको ताकि हम और अच्छे वीडियो बनाते रहें। तो प्रेमी भक्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।